खबर टीकमगढ़ से है, जहां जमीन के बंटवारे को लेकर सास और बहू पर हमला करने का मामला सामने आया है। ग्राम रानीपुरा निवासी सुखवती ने बताया कि वे खेतों में पानी देने गए थे, तभी सुखवती के पति और सुखवती पर गांव के ही दबंगों ने हमला कर दिया। पूरे मामले की शिकायत थाने में बलदेवगढ़ में की गई है, लेकिन पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। क्यों मारा, क्या कारण था, क्या विवाद था? जमीन का। जमीन कितने एकड़ है? 2 एकड़, 6 एकड़ है, 2 एकड़ है। अच्छा, तो वो क्यों विवाद कर रहे हैं? वो तो बाहर के हैं शायद। वो तो कलेरा रहती है। हाँ, तो विवाद इसी साल हुआ कि परसाल हुआ था? नहीं, इसी साल किया। उन्होंने पुलिस से हमारा नाम लेके बता दिया, तो हमने बताया कि मैंने अपना नाम तो बताया नहीं, लेकिन उनको नाम कहाँ से मालूम पड़ गया हमारा। इसके बाद जब यहाँ से घर से फोन गया कि तुम्हारी मम्मी ज़्यादा नहर में डरी है, उनकी ज़्यादा बेबी हाल है, तो हमने वहाँ से कहा जैसे पुलिस विभाग से कि नहीं सर, हमने जी अब रुक जाओ, हमारी घर से आएंगे, हम दोनों रिपोर्टें लिखवा लेंगे। लेकिन उन्होंने हमारी ईमान नहीं कहीं कि तुम अपनी रिपोर्ट लिखाई मम्मी की, हम बाद में देख लेंगे। हम पानी भरा रहे थे, रामधीम और प्रकाश और मिथिला तीन जने गए, सुनने वहाँ पे फारो छोड़ा, हम रहे थे फारो, सुनने फारो मारा हाथ में हमें जो है घर में, और फिर फारे के बाद फिर उन्होंने बाबू ने प्रकाश ने हमें 2 बेंट मारे, फारे के बेंट मारे, फिर उन्हें हमें बराए में लपेट दाओ, फिर बस 2 जनन ने, फिर 1 जनन ने बाल पकड़ी, हमारे 1 जनन ने हाथ पकड़ी, फिर उन्हें मारो।